नवटा सियापा और नाम शरबत, आप भी? मैंने मना किया था कुल्फी। हाँ, इसलिए एक बार पीने चलोगे तो फिर पूरा पी कैसे बा? झूठ में क्या झूठे? जो झूठ बोले जूता खाएगा जूता। जूता ना चमड़े का जूता ना भिगो भिगो के मारूंगा तेरे। लड़ाई बंद। खबरदार जो फिर से लड़ाई किया तो। इतनी रात को कोई ऐसे सड़कों पे घूमता है क्या? जाइए अपने घर जाइए। जाइए। बटा होना ही नहीं। इतनी रात हो गई, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे फैसले का वेट कर रही हूँ सिकंदर। Are you drunk? एक मिनट, मैं तुम्हें कमरे में ले जाती हूँ। एक मिनट, रूम में चल। संभल के। क्या हुआ? चलो कमरे में। हेलो मेरी जी, क्या आपके डैडा का भी वही हाल है जो मेरे पापा का? हाँ कुल्फी, तारे को हैंग कवर हो गया है। अच्छा, क्या हो गया है? ओफो, इसकी नींद मुझे भी नहीं आती। तो कब पढ़ने सीखेगी कुल्फी? वही तो, रात को ही तो मैंने बात की थी, मैंने वो स्कूल भेजो, तब तो दोनों मान गए थे। अब सुबह से अंदर बंद है और ऐसी आवाजें आ रही है। हैंगओवर में ऐसी आवाजें आती हैं कुल्फी, बट डोंट वरी, मेरे पास भी एक तरीका है हैंगओवर उतारने का। एक गिलास पानी डालो। फिर नींबू निचोड़ो। देखिए आपका दिया और उसका काम आ गया। ठीक हो गए, अच्छा लग रहा है अभी। बिटिया, अरे बाप रे, हमारी इतनी सी गुड़िया कितना गुस्सा करती है। बात भी नहीं करोगे? बिल्लो, बाबा से कह दे ज्यादा भोले बनने की कोशिश ना करे, इन्हें तो याद भी नहीं किन्ने कल मुझसे केड़ा वादा किया था। बिल्लो, देखो हमारी बिटिया से कह दो कि उसके बाबा अपनी बिटिया से किया हुआ कोई भी वादा भूलते नहीं है। हम अपनी गुड़िया को स्कूल भेजेंगे। मैं क्या कर रही है, पूछना स्कूल कब भेजेंगे? पता मैं कितनी जल्दी उठ के तैयार हो गई थी। छोड़ दीजिए, बिटिया,
स्कूल में दाखिला ऐसे थोड़ी ना मिलता है बेटिया। हाँ, हमें फॉर्म भरना पड़ता है, फिर हमें एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। क्यों होता है? एंट्रेंस एग्जाम का मतलब होता है स्कूल की हेडमास्टरनी जी आपसे सवाल पूछेंगे, वो देखेंगे कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, और जब हमारी बेटिया उन सवालों का सही जवाब दे देगी तो आपका दाखिला हो जाएगा स्कूल में। एलो जी, जब मुझे सवालों के जवाब पता होते तो स्कूल जाने की जरूरत ही क्या पड़ती? पढ़ाई से पहले इम्तिहान क्यों लेते हैं? देवर। सर जी, आप ही को फोन करने वाले थे, वो हमारी बिटिया का एडमिशन कराना है ना? हाँ, वो उसी बारे में बात करनी थी तुमसे। तो मेरी बात हुई है हमारा की प्रिंसिपल से उसके स्कूल में, तो उसकी प्रिंसिपल हमसे मिलने के लिए तैयार है, बुलाया उसने हमें। बस एक ही बात है कि कुल्फी को एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको तैयारी करानी पड़ेगी। वही बात तो अपनी बिटिया को समझा रहे थे सर हम। अच्छा सुनना, मेरे घर पे दावत है तो तुम दोनों आ जाना, तू और कुल्फी। क्या बात सर, आ जाएंगे। प्याज कटा? वो नमक कितने? सर वो गैस के पास में रखा है। मैंनू पता सी। हाय सिकंदर। क्या कर रहे हो सिकंदर? मैंने कुल्फी और देव को रात में खाने में बुलाया। कर रहे हो तुम? सुना नहीं तुमने? ठीक से तेवर और कुल्फी को डिनर पे बुलाया। सिकंदर मेरी, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कल से वेट कर रही हूँ तुम्हारे जवाब का, तुम मुझे सीधा जवाब। सॉरी, जस्ट शेक इट ऑफ ना बेबी। तुम क्या कर रहे हो? कल रात को भी तेवर के साथ ड्रिंक करके घर आया हूँ और आज दोनों को डिनर पे बुला लिया। मैं यहाँ उन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ हमारे घर से, और तुम उल्टा उन्हें हमारे घर में आप मुझे की... अपना रास्ता मत दिखाइए। लेकिन सॉरी सॉरी, नहीं नहीं हाथ लगाऊंगी, सॉरी। लेकिन तुम देवर को अमायरा के बारे में सच तो सच भी नहीं बोलोगे ना? थैंक यू वो समझने के लिए। मेरे को ना अपने नाल मत मिलाओ। देवर को ये ना बता के कि अमायरा उसकी बेटी है ना, मैं पहली मेहनत ना बड़ा पापन सर पे लेके जी रहा हूँ, और ये सब से सच जानने के बावजूद अगर मैंने तेवर और मायरा को दूर रखा तो एक कमीना बनूंगा, और मैं कमीना नहीं हूँ। क्या करने वाले हो सिकंदर? सॉरी सॉरी, तुम क्या करने वाले हो? इंतजार। मतलब तेवर मायरा का बाप है, बात ना जानते हुए हमारा से बहुत प्यार करता है वो। मैं चाहता हूँ हमारा और तेवर के बीच में ये रिश्ता ऐसी रहे और अच्छा हो जाए और गहरा हो जाए। मैं चाहता हूँ तेवर हमारा की जिंदगी से कभी ना जाए, उनकी दोस्ती और गहरी हो जाए। जब ये दोनों बच्चियां बड़ी हो ना, कि अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, तो मैं इनको सच बताऊं, तब शायद इतनी बड़ी बात को समझने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए इनके पास दोस्त भी होगा और हमदर्द भी होगा। लेकिन इन दोनों को सच बताने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि यही सच है, यही सच है। अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं भी उसके बारे में सब कुछ सच सच जानना चाहता। आज तुम लोगों से मिलने कुल्फी आ रही है, और जैसे उससे मुझे अपने न्यू टॉय से खेलने दिया था ना, आज तुम्हें भी उसके साथ ऐसे ही खेलना है। So, behave, okay? What's this, Amira? आप कुल्फी के आने की तैयारियां कर रहे हो? आपको तो वो पसंद नहीं है ना? अच्छी नहीं लगती थी मॉम तब जब वो डर्टी 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 गर्ल थी, पर वो अब ऐसी नहीं है। I like her. What do you mean you like her?
अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके डैडा उसको प्यार करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, उसके साथ गाना गाएंगे तो? नो मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डैडा ने बताया था अगर वो कुल्फी से प्यार करते हैं फिर भी वो मुझे उससे भी ज्यादा प्यार करेंगे। एंड वैसे भी मैं बल्ले बल्ले तेवर के साथ हैंग आउट करती हूँ ना, वो भी तो मेरे फ्रेंड है। अमायरा, दैट डजंट चेंज एनीथिंग। आप उसे पसंद नहीं करते थे, हाउ कैन यू लाइक हर नाउ? और रॉन, जिया और मनाली आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके स्कूल में, आपकी क्लास में है, और कुछ नहीं पता, अब वो मेरे फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि वो दर्द बदलू दोस्त है। हाँ कुल्फी, वो जैसे भी हो पर वो ऑनेस्ट है, वो हमेशा सच बोलती है, और अब वो बहुत जल्दी मेरी क्लास में भी आने लग जाएगी। दादी ने कहा है कि उसका एडमिशन मेरे स्कूल में कराएंगे। मतलब उसने आपके साथ जो भी किया, आपको हर्ट किया, जो भी बुरा किया आपके साथ, आपने उसको फॉरगिव कर दिया, वो कुछ याद नहीं, और अभी आप उसे लाइक करते हो? हाँ मॉम, अरे व्हाट, कि अब मैं उसके साथ खेलती हूँ ना तो मुझे पता चला है कि वो इतनी भी गधी नहीं है। एंड उसकी मॉम ने भी उसको बहुत कुछ सिखाया है, लाइक खाना बनाना एंड ड्राइंग करना। और इनफ हमारा, मुझे उसकी मॉम के बारे में कुछ नहीं सुनना, ऑलराइट? इनफ। मॉम को क्या हो गया? आ गए सिकंदर जी के घर। मैं अंदर नहीं आ सकती बाबा। क्या हुआ बिटिया? सिकंदर जी ने मना किया। अरे लेकिन आपके सिकंदर जी ने ही तो आपको बुलाया है बिटिया, चलिए आइए। ना जी ना, जब तक सिकंदर जी खुद मैं अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे तब तक मैं इस घर में कदम भी नहीं रख सकती। अरे बिटिया, ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं होता ना, आई नहीं। सिकंदर जी, ओ सिकंदर जी, की गल है भाई, तू आते चलाने लग गया है? हाय बिल बिल तेवर। हेलो मिस अमायरा। हाय कुल्फी। क्या हो? आप ही देखिए, आपके शब्दों ने हमारी बिटिया को बांध के रखा है, वो कह रही है कि वो हमारे साथ आपके घर में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो कह रही है कि सिकंदर जी ने उसे मना किया है, और अब जब तक सिकंदर जी खुद उसे अंदर आने के लिए नहीं कहते वो अंदर नहीं आएगी। गति आ जाना। गति नहीं, परी। परी तोड़ के आ जाना। आजा मेरे शेर। नहीं सिकंदर जी, पहले अपनी कसम उतारो। घर में दोबारा वापस उतारे? ऐसे नहीं, कसम उतारनी है तो बोलो, हरे बाग की हरी सुपारी, सीता जी ने कसम उतारी। हरे बाग की हरी सुपारी, सीता जी ने कसम उतारी। जब पहली बार दिखी आंखों में सवेरे थे, जब पास तू मेरे आई तब जाना मेरी थी। अच्छा। जब पहली बार दिखी आंखों में सवेरे, जब पास तू मेरे आए तब जाना मेरे थे, तब जाना मेरे थे। खाओ, शाबाश, खत्म करो। भटूरा है राउंड ट्रायंगल।
होता है समोसा और स्क्वायर होती है सोन पापड़ी। वाह! पर अगर तू एंट्रेंस टेस्ट में ऐसे जवाब देगी ना तो प्रिंसिपल मैम को भूख लग जाएगी। कुल्फी, बस ऐसे ही छेती छेती सब कुछ याद कर ले, फिर छेती छेती तेरा दाखिला करा देंगे स्कूल में। चंगा? चंगा जी। फिर तो बिल्लो हमारी घास चरती जाए, बिटिया हमारी पढ़ती जाए। फिर मैं भी छेती छेती ये पढ़ लूंगी उस कागज में की लिखा है। चल हाथ आटा। नहीं बेबी, साग साग का साग। सरसों का साग है। साग में बिल्कुल पसंद नहीं है बेबी। मी टू। लो चलो कोई बात नहीं, खाओ खाओ खाओ, तुम भी खाओ। लेकिन भाई मैंने तो बहुत पसंद है सरसों का साग। मिठू। मिठू नहीं, मीटू, मतलब मुझे भी। हाँ जी, हाँ जी भाई, जल्दी जल्दी सीखने में कभी कभार गलती हो जाती है ना। चंगा नाम है मिठू, बेबे तेरा नाम मिठू रख दे, मिठू कुल्फी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।